हुनर किसी किसी में पाया जाता है, चाहे पुरुष हो, महिला हो या बच्चे। आज ऐसी ही तस्वीर देवरिया जनपद से लेकर आए हैं, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने वरों को कुछ इस प्रकार दूसरे से जोड़कर गीत बनाया है कि जिसे सभी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो वहीं बच्चे भी इस वरमाला को अपने अंदाज में व्याप्त कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देवरिया जनपद के बगड़ा महुआरी के कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक उमा शंकर द्विवेदी की, जिनके द्वारा लिखे गए एक गीत को बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सहायक अध्यापक उमा शंकर के द्वारा इस गीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चे भी बड़े आनंद से पढ़ते नजर आ रहे हैं। वड़ों को एक साथ मिलाकर इसे जिस तरह गीत के माध्यम से तैयार किया गया, वह काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इस बाबत गीत को तैयार करने वाले अध्यापक का कहना है कि जिस तरह बच्चों को छोटा बड़ा पढ़ाया जाता था, जी उससे शब्दों का सही मिलान नहीं हो पा रहा था। इस गीत के माध्यम से सभी बड़ों को एक साथ पिरोकर बच्चों के सामने रखा गया, जिसे बच्चों को अब आसानी से बोल रहे हैं। इस तरह की प्रेरणा आपको कहां से मिली और किस तरीके से बच्चों का ज्ञान कर रहे हैं? सर, जब मैं 2013 में नियुक्त हुआ तो मैंने देखा कि जो हमारे विद्यालय में वर्णमाला की पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे बड़े ही प्रेम से उसको पढ़ते हैं, बड़े ही प्रेम से गाते हैं। तो ये है, तो बच्चों की सामान्य रुचि होती है किसी गीत को गाने में, तो बच्चे बड़े प्रेम से गाते थे और आनंद लेते थे। फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो देखा कि कभी हम कोई वर्ण लिख रहे हैं शुरुआत में, तो जैसे मैंने लिखा ट, तो बच्चे अक्सर उसको मैं क्या लिखा है, तो बच्चे कहते टमाटर। फिर मैं लिखा था क, क्या लिखा है, तो जो बच्चे वर्ण पहचान भी रहे हैं वो भी बोलते थे कि सर ये कबूतर है। फिर मैं लिखा अ, तो जो बच्चे पहचान रहे बोले सर अनार है। उसके पीछे मुझे लगा कि ये हो सकता है कारण कि जो हमारी वर्णमाला गीत है उसमें अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिठू लाल या कबूतर करता गुटर गूं, ये जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कबूतर शब्द तो आ रहा है, स्वतंत्र रूप में वर्ण नहीं आ रहा है। जबकि हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि हम लोग पढ़ाते रहे हैं, हम लोग बचपन पढ़े हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमले या क से कबूतर इत्यादि। और अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, यानी कि अक्षर भी बोलते हैं और शब्द भी बोलते हैं। जबकि हमारी वर्णमाला गीत में केवल शब्द तो आते हैं, अक्षर अलग से नहीं आते। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा गीत लिख दिया जाए जिसमें अक्षर भी अलग से हों और शब्द भी हों। और मैंने ऐसे लिख दिया, अ से अनार रोज तुम खाओ, आ से आम का पेड़ लगाओ। इस कमी की पूर्ति हो गई कि अ से अनार, आ से आम गीत में आ भी गया।